गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास नाइन्थ हिंदी फर्स्ट से का गद्य खंड का फर्स्ट चैप्टर दो बैलों की कथा, जिसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। तो आइए मुंशी प्रेमचंद के जीवन के बारे में कुछ आपको बताएं। तो मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय आइए पढ़ते हैं। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद का जन्म वाराणसी के निकट लमही नामक गांव में सन 1880 में हुआ। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव में हुई। छुटपन में ही उनके पिता का देहांत हो गया, इसलिए घर की जिम्मेदारी असमय ही उनके कंधों पर आ पड़ी। वे दसवीं पास करके प्राइमरी स्कूल में शिक्षक बन गए। नौकरी में रहकर ही उन्होंने बीए पास किया। इसके बाद वे शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के रूप में नियुक्त हो गए। सन 1920 में वे गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उन्होंने साहित्य लेखन द्वारा देश सेवा करने का संकल्प किया। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था। पहले वे नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, बाद में हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। उन्होंने अपना छापाखाना खोला और हंस नामक पत्रिका का संपादन किया। सन 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी का देहांत हो गया। तो इनकी कुछ रचनाएं भी हैं, तो आइए देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद ने 350 कहानियाँ और 11 उपन्यास लिखे। उनकी कहानियाँ मानसरोवर नाम से 8 भागों में संकलित हैं। इनके कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जैसे सेवा सदन, प्रेमासर, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और गोदान। करबला और प्रेम की वेदी नामक उनके दो नाटक भी हैं। उनके द्वारा लिखित निबंध कुछ विचार और कुछ विबंध प्रसंग नामक संकलों में संकलित हैं। तो इनकी कुछ विशेषताएं भी हैं, तो आइए देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद के साहित्य का सबसे प्रमुख विषय है राष्ट्रीय जागरण और समाज को सुधारना। देश के प्रबल स्वर के कारण उनके कहानी संग्रह सोजे वतन को अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। मुंशी प्रेमचंद ने दीनहीन यानी गरीब किसानों, ग्रामीणों और शोषितों की दलित अवस्था का मार्मिक चित्रण किया। यानी इन्होंने दबे कुचले किसान, ग्रामीणों और शोषित जो दबे कुचले थे, उनका चित्रण उस किताब के माध्यम से किया था। उनकी कफन, पूस की रात, गोदान आदि रचनाएं शोषण के विरुद्ध मूक विद्रोह की आवाज़ उठाती हैं। यानी किसी के ऊपर अत्याचार होता हो तो वो जो कहानियाँ लिखे, उपन्यास लिखे, तो उन चीज़ों का आवाज़ उठाती है। उन्होंने समाज में व्याप्त अन्य बुराइयाँ भी समाप्त की, जैसे दहेज, अनमेल विवाह, नशाखोरी, शोषण, बहुविवाह, छुआछूत, ऊंच नीच आदि पर भी प्रभावशाली साहित्य लिखे। इन्होंने इन चीज़ों पर भी, विवाह, नशाखोरी वगैरहों पर भी प्रभावशाली साहित्य लिखे थे। प्रेमचंद ने मनुष्यों को ही नहीं पशुओं को भी सहानुभूति प्रदान की। दो बैलों की कथा के दोनों बैल मानव परतंत्र भारतीय नागरिक हैं, जो स्वदेश हित के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। भाषा शैली, मुंशी प्रेमचंद अपनी सरल मुहावरेदार भाषा के लिए विख्यात हैं। उन्होंने लोक भाषा को साहित्य भाषा बनाया है। उनकी भाषा अहम जनता के बहुत निकट है। वे अपने पात्र, वातावरण और मनोदशा के अनुसार शब्दों का चुनाव करते हैं। वास्तव में एक व्यक्ति जिस वातावरण में अपने पद स्थान के अनुसार जिस परिस्थिति में जो भाषा बोलता है, उसी को व्याकरण के नियमों में ढालकर उन्होंने प्रस्तुत कर दिया है। वे मानव मन में उठ रहे मनोभावों को प्रकट करने में बहुत ही कुशल हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की भाषा शैली, जीवन परिचय, जितने भी नाटक अच्छे थे, बहुत ही ज्ञानी संस्कारी थे। उन्होंने देश को आज़ाद कराने की ऊपर सारे नाटक लिखे। तो इन्होंने एक दो बैलों की कथा भी लिखी है।
तो दो बैलों की कथा नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। तो